ये कंप्यूटर मीनिंग है, टेली ERP 9 अगर आप पढ़ना है तो कुछ मीनिंग आपको जाननी चाहिए, जैसे कि कैपिटल क्या होता है, कुछ मीनिंग आप जान लो, वो आपको आगे पढ़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग देखो, पहला है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का हिंदी होता है लेखांकन। ठीक है, क्या होता है? लेखांकन। ठीक है, और कैश मतलब नगद होता है। बार बार ये क्वेश्चन पूरा रिपीट होगा, कैश। ठीक है, तो कैश का मतलब होता है नगद, और विड्रॉल मतलब होता है निकालना, ठीक है ना, और डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। लेजर मतलब क्या होता है? बही खाता। ठीक है, लेजर मतलब बही खाता। और बाउचर मतलब होता है रसीद। रसीद कितने होते हैं? आप बेसिकली आप जानना चाहते हो तो कॉन्ट्रा होता है, पेमेंट होता है, रिसिप्ट होता है, जर्नल होता है, सेल होता है, और परचेस होता है, एक होता है मेमोरेंडम। ठीक है, तो इसको मैं बता दूंगा अभी। और गुड्स मतलब होता है माल या वस्तु। देखो यहाँ पे GOOS लग गया ना। ठीक है, एस का मतलब हो जाता है गुड्स। आपने ट्रक देखा होगा, ट्रक के 48 पे लिखा होता है ऊपर गुड्स कैरियर, मतलब मालवाहक गाड़ी। ठीक है ना, और कैपिटल मतलब होता है पूंजी। ठीक है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी। और डिस्काउंट मतलब होता है क्या? छूट देना। लोन मतलब होता है ऋण। एसेट्स मतलब संपत्ति। ठीक है, और लाइबिलिटी मतलब होता है दायित्व। ठीक है, लाइबिलिटी का अर्थ होता है दायित्व, यानी अगर आपको कोई आप बिल बिजली बिल यूज़ वगैरह यूज़ कर रहे हो, या अगर पेट्रोल वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको एक बिल बनता है, तो बिल आपको देना पड़ेगा। पार्टी से माल खरीद लिया तो आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उसको क्या करो, पैसा दो। ठीक है ना, उसकी लाइबिलिटी बोलेंगे हम। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ। ठीक है, प्रॉफिट मतलब होता है फायदा। सॉरी, यहाँ पे प्रॉफिट मतलब फायदा होता है, गेन मतलब होता है लाभ, लॉस मतलब हानि, और एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट, बैलेंस शीट यानी विवरण देखने के लिए, इंटरेस्ट मतलब सूद की बात करेंगे। ठीक है ना, ओके। और एक और चीज़ होता है मेमो। मेमो मतलब होता है रसीद। ओके,